हेलो फ्रेंड्स, शक्ति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपको मेथी के और सोया के पराठे बनाना बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये मैंने मेथी ली है, आजकल खूब मेथी चल रही है, हरी सब्जी होती है, बहुत फायदा करती है, डायबिटीज में तो ये रामबाण होती है। इसके पराठे या इसकी सब्जी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सोया है, ये मेथी के साथ ही हर सब्जी वाले के पास मिलता है। इसको आप मेथी के पराठे में जरूर ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने मेथी ले ली है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 4-5 बार, और अब मैंने इसको इस तरीके से पतला पतला काट के ले लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आपको ये मैं बता दे रही हूँ कि जो ये मेथी हमें तोड़नी है वो किस तरीके से तोड़नी है। इसकी सिर्फ हमें जब पराठे बनाने हैं तो सिर्फ पत्ती पत्ती इस तरीके से लेनी है, इसकी डंडी को हटा देना है। और जो ये सोया होता है इसकी भी हमें पत्ती पत्ती ही लेनी है, नीचे की जो डंडी है इसको हटा देना है। ये फ्रेंड्स मैंने आधा किलो आटा ले लिया है, गेहूं का आटा लिया है। अब जो मैंने मेथी काट के ले ली है, एक कटोरा टाइप में मेथी है, कटोरी से आप लें तो 2 कटोरी हो जाएगी छोटी छोटी। इसको मैं इसी आटे में मिला लूंगी। अब मैंने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं जो आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ये नमक है, सफेद नमक, जीरा, ये अजवाइन है, हल्दी, हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, और ये अदरक है। ये मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसको भी मैं मिला दूंगी। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। अब मैं इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं पानी की हेल्प से इसको गूंथ लूंगी। पानी आप थोड़ा ही थोड़ा ऐड करें, एकदम से ज्यादा पानी ना डालें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पानी लें। और इस तरीके से इसको मसल के गूंथ लें। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा को गूंथ लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो, जिसको ना अधिक सॉफ्ट करना है ना अधिक टाइट, बढ़िया सा डो बना लेते हैं इसका। अभी अब आटा लग गया है, आप देख सकती हैं ये मैंने किस तरीके का आटा लगाया है। इस तरीके का आटा है आपको लगाना है, जो ना अधिक सॉफ्ट है ना अधिक टाइट है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर से चिकना कर देते हैं और इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ढक करके, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसकी लोइयां तोड़ ले रही हूं इस तरीके से। देखिए आप कितना बढ़िया आटा बना है। लोइयां आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं, लेकिन इन पराठों को थोड़ा आप मोटा ही रखें और लोई थोड़ी सी बड़े साइज की रखें तो ये काफी अच्छे लगते हैं। अब इनको इस तरीके से गोल गोल कर लेना है और हल्का सा इसको इस तरीके से दबा लेना है। अब दबा करके इसको, ये जो सूखा आटा लिया है इसमें इसको लपेट लेना है। अब इसको
बेल लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको आटे से डस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको बेल लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद इसको फोल्ड कर लूंगी और आटे से फिर डस्ट करके और फिर इसको बेल लूंगी। अब मैंने इसको बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बेला है। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में बेला है। ये मैं दूसरी तरीके का आपको दूसरा पराठा बनाना बताती हूँ। इसको भी बेल लेना है पहले। अब इस पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। आप इसको गोल गोल भी बेल सकते हैं और इस तरीके से फोल्ड करके भी बेल सकते हैं। फोल्ड होने से इसकी परतें बाद में बिल्कुल खुल करके आती हैं, जो खाने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। अब इसको थोड़ा सा सूखे आटे से लपेट करके इसको बेल लूंगी। ये पराठा भी मेरा रेडी हो गया है। इसको मैंने स्क्वायर शेप दिया है। आप चलिए तवा को गरम कर लेते हैं। तवा गरम हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूंगी और पराठे को डाल दूंगी। अब इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से अभी सिक गया है। अब इसकी नीचे की साइड भी सिक जाने देते हैं। अब इसको पलट के देख लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको चिकना कर देते हैं। फिर पलट लेंगे और इसको नीचे से भी ऑयल लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा दबा के सेक लेंगे चारों तरफ से, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, ना अधिक सिलोग रखें और ना ही फुल फ्लेम पे सेकें, जिससे कि पराठा अच्छा नहीं सिकेगा। मीडियम फ्लेम पे ही पराठा सबसे अच्छी तरीके से सिकता है। अब सिक गया है पराठा दोनों तरफ से। अब मैं इसको उतार लूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी सेक ले रही हूँ। अब मैं इसको पलट ले रही हूँ। थोड़ा सा नीचे से जब सिक जाएगा फिर मैं फिर इसको वापस से पलट दूंगी, तब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। अब मैं पलट लूंगी इसको और फिर मैं इसमें ऑयल लगा लूंगी। फिर पलट के इस साइड भी ऑयल लगा लूंगी और दबा दबा के इसको सेक लूंगी। तो पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे बने हैं। ये आप चाय से या चटनी से किसी से भी सर्व कर सकते हैं। जो मैंने इसको ट्रायंगल शेप दिया था वो आप देख सकते हैं, अंदर से उसमें एक एक लेयर बनी है। आप अगर फोल्ड करके बनाएंगे तो इसी तरीके से आपको एक एक लेयर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।